हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पोहे के क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मैंने 100 ग्राम पोहा ले लिया है। सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे और सारा पानी इसमें से निकाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर एक बार दोबारा से वॉश कर लेंगे। पोहे में से सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसमें दो उबले हुए आलू डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें कटे हुए जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। एक चॉप्ड ही अनियन डाल देंगे। एक चॉप्ड ही कैप्सिकम ऐड कर देंगे और एक दो हमने ग्रीन चिली ले ली है कटी हुई और एक चॉप की हुई कैरेट डाल देंगे। सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार। एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और एक चौथाई चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। कसूरी मेथी हम इसमें थोड़ी सी क्रश करके ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक चम्मच ऑयल ले लेंगे और ट्रे पर अच्छे से इसे ग्रीस कर देंगे हाथ से और इस पर हम मिक्सचर डालकर एकदम अच्छे से फैला देंगे। अब ये मैंने सेवइयाँ ले ली हैं, नॉर्मल सेवइयाँ जो होती हैं। इन्हें हम हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब इसे साइड कर देंगे। और चार चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च और ऑरिगेनो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। ये मैंने स्लरी बना ली है। अब हम मैंने ये कुकी कटर लिया है आज स्नैक्स बनाने के लिए। आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। इसे हम पहले कुकी कटर से कट कर लेंगे। अब इसे मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप कर दूंगी और इसे अच्छे से कोट कर दूंगी। फिर हम इसे सेवइयाँ में डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेवइयाँ कोट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। ये सारे हमने कुकी कटर से रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी पोहा स्नैक्स बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।